उधर गल करिए लॉकडाउन दी तां देश विच लॉकडाउन 4 जारी है ते 31 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान केंद्र अते सूबा सरकारां वल्लों लोकां नूं कुछ ढिल भी दित्ती गई। लॉकडाउन विच छोट कारण दिल्ली गाजियाबाद सरहद ते अज सवेर तों ही लंबा जाम लगना शुरू हो गया। एक बार फिर गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली नाल लगदे अपनियां सारियां सरहदां सील कर दित्तियां ने। गाजियाबाद प्रशासन दा कहना है कि हाल ही विच गाजियाबाद विच जो एक वायरस केस मिले ने उसका संबंध दिल्ली नाल है, इसलिए दिल्ली तो आन जान वाले ते पाबंदी लागू कर दी गई ने। डॉक्टर सेहत कामया पुलिस बैंक कर्मचारियों नू आई कार्ड नाल आन जान की छोट होगी, पर दिल्ली तो हॉटस्पॉट एरिया तो आने वाले किसी भी शख्स नू नहीं आन दिता जाएगा। इतने भी दस दईए कि सेहत विभाग का भी मानना है कि दिल्ली तो वड्डे पद्धर ते वायरस गाजियाबाद विच दाखिल हो रहा है। उधर पंजाब सरकार ने सूबे तो बाहर आने वाले लोगों के लिए नवी गाइडलाइंस जारी की ने। जी हाँ, इस तहत भारत में वक्त-वक्त थावां तो जहाज रेल या सड़की आवाजाई रही आने वाले हर यात्री नू 14 दिन घर में क्वारंटाइन होना लाजमी है। इस तो पहला सरकार वालों निर्धारित केंद्रों में क्वारंटाइन किया जाना सी। इस तो इलावा सारे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लिए क्वारंटाइन सेंटरों में 7 दिन रहना लाजमी है। नवी सरकारी हदायतों मुताबिक किसी भी राज जरिए पंजाब में दाखिल होने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री अपनी निजी और सेहत संबंधी जानकारी का एक हल्फिया बयान भी जमा कराएंगे। जी हाँ, स्क्रीनिंग दौरान जिन्हें इस वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं उन्हों का टेस्ट भी किया जाएगा। जेकर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्होंने कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। उधर गल करिए पंजाब दी तां पंजाब एकता पार्टी के मुखी ते विधायक सुखपाल खैरा ते उन्हां दे 29 साथियों नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सी, पर बाद विच रिहा करता गया। खैरा कपूरथला विच किते गए कबड्डी खिडारी अरविंदर पहलवान नूं इंसाफ दिवाउण लई सोमवार नूं देश भगत यादगार हाल तो मोमबत्ती मार्च ते निकले सन। तालाबंदी विच जारी दिशा निर्देशों मुताबिक पंजाब च सुखपाल खैरा ते उसके 29 साथियों खिलाफ IPC की धारा 188 महामारी रोग एक्ट ते आफत प्रबंधन एक्ट तहत केस दर्ज किया गया सी। ते बाद विच उन्हां नूं जमानत ते रिहा करता गया।